और चलिए आपको पाखंडी बाबा सूरजपाल का मैनपुरी का शीश महल दिखाते हैं। सूरजपाल जहां पर रहता है उसका घर महल जैसा है, उसकी शानो शौकत राजा महाराजा की तरह है। सूरजपाल के घर में हेलीपैड है, उसके घर के दरवाजे गोल्डन रंग से रंगे हुए हैं। बाबा का जो महल है वो बिल्कुल आप सोने सरीके का देखेंगे। ये सोने जैसा गेट इसलिए बनाया गया है ताकि कुछ समय बाद हो सके तो कहीं सोने का गेट ही ना बन जाए, क्योंकि जो महल की दीवारें हैं बिल्कुल ऊपर हैं, क्योंकि मेरी निगाहें भी सीधे ऊपर जा रही हैं। वहाँ से पार करके क्या अंदर होता है किसी को नहीं पता, लेकिन जो महल खड़ा किया गया है उसमें भी बड़ी भूमिका है लोगों की, उसको भी मैं बताता हूँ इसलिए, क्योंकि ये एक ऐसा महल है जिसकी चार दीवारी बहुत बड़ी है, इसमें कई बड़े बड़े गेट हैं और बिल्कुल महल नुमा ये महलों के जो गेट होते थे हम फिल्मों में देखते हैं या फिर पहले सुना करते थे, उस तरह के महलों के गेट हैं। लेकिन इन पूरी बड़ी इमारत को, इस बड़े महल को बनाने के पीछे कौन लोग हैं, वो ये हैं। वो ये इसलिए हैं क्योंकि ये भले ही दानवीर हैं, दानवीरों की यहाँ पर लिस्ट लगी है कि इन्होंने इस जगह के लिए दान दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 1,00,000 दिया और किसी ने अनगिनत जिसकी रकम ही नहीं लिखी गई, उन लोगों के दान से इतना बड़ा महल बाबा ने खड़ा किया है। और ये सिर्फ महल ही नहीं बल्कि इसे ट्रस्ट बना दिया गया। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि जब आप एक मोटी अमाउंट रखते हैं तो आश्रम के पास उस अमाउंट को रखने के राइट्स नहीं होते हैं। अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट के पीछे अगर पैसा डालते हैं तो उसको पूछने वाला, देखने वाला, जांचने वाला कोई नहीं होता। इसके अलावा इसके ठीक सामने एक लैंड है जो यहाँ पर जमीन लोगों के द्वारा दान दी गई है ये कहा जाता है, और उसके पास ही हेलीपैड है। सुख सुविधाएँ पूरी हैं, कहने के लिए बाबा जी हैं, क्योंकि लोगों को उपदेश देना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना, इसी जगह पर सत्संग करके, संगत करके यहाँ पर लोगों को बिठाया जाता है। लेकिन अब इस लैंड को देखते हुए, देखिए करोड़ों की लैंड है जिसे दान में दिया गया है और ये जो पूरा महल है वो सामने खड़ा है, तो क्या कहेंगे कि अब जो लोग हाथरस में इस हादसे का शिकार हुए, पीड़ित हैं, उनके इस पूरी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का एक आश्रम सेंट्रल नोएडा में भी मौजूद है। सेक्टर 87 के नया गांव में आश्रम है, यानी सूरजपाल ने भक्तों की आस्था के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये नोएडा की तस्वीरें हैं। नोएडा के सेक्टर 87 में इस बाबा का एक आश्रम बनाया गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबा ने किस तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की थी, न सिर्फ मैनपुरी में, एटा में, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार से बाबा ने तमाम आश्रमों का निर्माण करवा रखा। हाथरस हादसे को 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि अभी तक गायब है। उसका कोई भी बयान या फिर वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पुलिस की पैनी नजर है। आश्रम के तीनों गेट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है तो आश्रम जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेडिंग की गई है। मैनपुरी में करीब 21 बीघा जमीन पर यह आश्रम बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आश्रम के पास एक हेलीपैड भी बना हुआ है। बाबा का वो आश्रम है जहाँ पर बाबा आते थे और हम देख सकते हैं कि ये अभी हम पिछले हिस्से में है जहाँ पर पूरी बाउंड्री है और बाउंड्री लगभग 14 फीट ऊंची है। 21 बीघा में बना हुआ है ये बाबा का पूरा आश्रम। और अगर इधर बात की जाए दूसरे हिस्से की तो दूसरी तरफ बिल्कुल पक्का जो वो बना हुआ है मंच बिल्कुल स्थायी मंच बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर हमेशा प्रवचन होते रहते हैं, हर माह लगभग एक जो बताया जाता है एक प्रवचन हुआ करता है। और साथ ही जो बाबा हैं वो अक्सर महीने में एक बार यहाँ आया करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये खाली फील्ड है जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक हेलीपैड की भी व्यवस्था है और जिसमें कि कई बार हेलीपैड से हेलीकॉप्टर को भी उतारा गया है। हालांकि अगर पूरी बाउंड्री के जो एरिया की बात की जाए तो वो 21 बीघा का है, लेकिन लगभग 10 बीघा में बाबा का पूरा जो कैंपस है वो बना हुआ है। साथ ही यहाँ जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, अनुयायी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और बाबा के लिए तमाम लोगों से संपर्क भी वही करते हैं। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18, मैनपुरी।